लड्डू घूमने जा रहे हैं मनाली। किसके साथ? आदिया, अपने भैया के साथ। और किसके साथ? ये जा, उल्लंबा कोट पहन के आ अंदर से। भाभी जी, आप अकेली हैं? का कुछ बोले का? एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि आप नहीं जा रही हैं? अच्छा है नहीं जा रही हैं, बिकॉज मनाली में जाके क्या फायदा, इतनी सी जगह है और ठंड कितनी पड़ती है यहाँ पे, बीमार पड़ जाए आदमी। नहीं नहीं, हम भी जा रहे हैं मनाली घूमने लड्डू के भैया के साथ। भभूति जी घर पे हैं? भभूति जी। अरे नमस्ते तिवारी जी, आप? भाभी जी, आज पहली बार हम भभूति जी से मिलने आए हैं। अरे वाह, लेकिन देखिए ना, अभी तो विभू है ही नहीं, बाहर गए। ओहो, वो क्या है कि वो ठलुआ बैठे थे। ठलुआ? ठलुआ मतलब? मतलब हम उनके लिए काम लेकर आए हैं। कैसा काम? वो क्या है कि लड्डू की छुट्टियां हो गई हैं, तो मैं और अंगूरी उसे घुमाने ले जा रहे हैं, तो सोचा कि अगर भभूति जी हमारे खोके मतलब दुकान पर बैठ जाएंगे तो 3-4 दिन की जो भी कमाई होगी उसमें से 10% हम उन्हें दे देंगे। लेकिन तिवारी जी, आपके खोखे पे तो जी? मतलब आपकी दुकान पे तो टिल्लू बैठता है ना। अरे वो नंबर एक का चोर है, पता नहीं पीछे से हमारी सारी कमाई ना हड़प जाए। वहां मनाली में होंगे, यहाँ वो दिवाली मना रहा होगा। क्या कहा, आप भी मनाली जा रहे हैं जी? आप भी से आपका तात्पर्य? तिवारी जी, मैं भी मनाली जा रही हूँ। पता है भाभी जी, इसलिए तो हम मनाली जा रहे हैं, अब हम कहेंगे भाभी जी मनाली में हैं।